पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकारा उज़्मा हसन ने इंकशाफ किया है कि उन्हें हाल ही में सीनियर अदाकार काशिम महमूद की वालदा के किरदार की पेशकश की गई थी। जियो इंटरटेनमेंट के मशहूर ड्रामा सीरियल खाई की अदाकारा उज़्मा हसन ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। खाई में बेहतरीन अदाकारी से शायकीन के दिल जीतने वाली अदाकारा उज़्मा हसन का डिजिटल टॉक शो के दौरान कहना था कि उनका कैरियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कैरियर अभी जारी है और वो कोई ख़ास बड़ी उम्र की भी नहीं है। उन्होंने जितना भी अभी तक काम किया है मियारी किया है। उन्होंने शिकवा करते हुए कहा कि फिर भी उन्हें उम्र के लिहाज से नामुनासिब किरदारों की पेशकश की जाती है। अदाकारा का कहना था कि खाई में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उन्हें एक नए ड्रामे की पेशकश आई जिसमें उन्हें अदाकारा काशिम महमूद की वालदा का किरदार अदा करने के लिए कहा गया। उज़्मा हसन ने कहा कि काशिफ महमूद की वालदा के किरदार की पेशकश सुनकर वो काफ़ी हैरान रह गई थीं। वो अफ्तारी कर रही थीं और ये पेशकश सुनकर उनकी अफ्तारी गले ही में फंस गई थी। अदाकारा ने बताया कि उन्होंने इस किरदार और अदनान सदीकी की सास के किरदार के लिए इनकार कर दिया था। शोबिज़ की आवाज़ के व्यूवर्स, आपको अदाकारा उज़्मा हसन और अदाकार काशिम महमूद में से किसकी अदाकारी ज़्यादा पसंद है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।